पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप जो सामने देख रहे हैं जंजीरों में कैद, ये क्या बताना चाह रहे हैं अभी इन्हीं से जानते हैं। जाति है कि जाति नहीं, इंद्र मेघवाल के लिए यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो लगातार हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो सर, ये इस जंजीरों को पहनकर गले में ये इस तरीके से ये सब आपने जकड़ा हुआ है, ये पहना हुआ है, ये क्या मतलब साबित करना चाहते हैं? ये आज हमारे जो दलित समाज के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मटका पानी के मटके के हाथ लगाने के ऊपर जान से मार देते हैं, हमारी बेटियों को आधी रात को जिंदा जला देते हैं, जो कि इतिहास में नहीं हुआ कि उनको कभी 3 बजे जला दिया हो। आज हमारे इस बच्चे को मटके के ऊपर पानी पीने पर मार दिया, तो हम उस टीचर को फांसी देने की न्याय के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है और गहलोत सरकार से कि इस बच्चे को इंसाफ मिले और उस टीचर को फांसी दी जाए। इंसाफ तो मिल ही गया ना, मतलब 5 लाख का जो है इनाम घोषित कर दिया है, 5 लाख देने के लिए घोषित कर दिया है, और प्लस उसको जो है टीचर था उसको अंदर डाल दिया है, पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया। नहीं, हम टीचर को 10 लाख रुपए दे देते हैं ना, वो अपने बच्चे को एक मार दे वो हम 10 लाख हम दे देंगे, अपने बच्चे को भी मार दे, वो अपने बच्चे को मार के देखे ना वो। मगर दिखाया तो ये भी जा रहा है कि वहाँ पर जो है मटका रखा नहीं है, वहाँ पर एक टंकी थी, उसी से सभी लोग पानी पीते हैं। ऐसा है मैडम, शायद अभी आपने एक वो जो कमिश्नर साहब से उनका अभी वीडियो देखा नहीं आपने, उन्होंने ये कहा है कि उस जब जी वो तहकीकात हुई उस जगह मटके का निशान था, क्योंकि मटका जहाँ रखा रहता है वहाँ पर मटके का निशान होता है, बनता है, तो वहाँ पर मटके का निशान था। लेकिन अब क्या है कि ये लोग, वो बेचारा दलित है उसके ऊपर ये लोग प्रभाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कंप्रोमाइज के लिए, इसलिए वो हो रहा है बस। कमिश्नर साहब वहाँ पर बैठ के सच्चाई बोलते हैं, मगर चैनल जो है वो दिखाता कि मटका नहीं था ये हो। मैडम एक बात बताओ, अगर उसे बच्चे को इंसाफ मिल जाता तो हम लोग क्यों परेशान होते? हमारे को बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमारे उस बच्चे को न्याय ना मिलने के बाद उसके घर वाले को दबाव दिया जा रहा है कि 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। अरे बच्चा कोई 5 लाख 10 लाख की वो चीज़ है क्या? हमें न्याय चाहिए, हमें को उस टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, उसे फांसी की सजा हो। फांसी की सजा कैसे होगी, इतने कम संख्या में आप लोग उतरते हैं, मगर वहाँ देखिए छैल सिंह के लिए इतने लोग सामने आ गए हैं, इतना पैसा पीछे से दिया जा रहा है, एक खुलासा भी पता चला है उनके पीछे इतना लोग है, आप लोग कभी एकजुट हो ही नहीं पाते। अभी तो मैडम ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये तो एक छोटा सा टेलर है, जाकर अब आगे आप फिल्म देखेंगे ना हमारे वाल्मीकि समाज की, तो इनको हमारी ताकत का पता चलेगा। अभी ये एक ही काम थोड़ी हुआ है, एक ही ये कृत्य थोड़ी हुआ है, लगातार जो है ऐसे ही दलितों के साथ हो रहा है। अभी जो टीचर थी वहाँ पर राजस्थान में ही, अभी इंद्र मेघवाल का मामला थमा भी नहीं था तो टीचर को पेट्रोल डाल के जला दिया, उत्तर प्रदेश में जो है जूते में पानी डाल के पिलाया जा रहा है दलितों के साथ, लगातार ये हो रहा है, आप बोल रहे हैं अंगड़ाई है। तो माननीय मोदी जी से हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम लोगों को क्यों गुलाम बनाया जा रहा है, क्यों हमें दलित बनाया जा रहा है, हमारे को क्यों वो किया जा रहा है, हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे जो भाइयों के साथ दलितों के साथ ये आघात कर रहे हैं, इनको न्याय रोकना चाहिए। हमने उसको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसीलिए बनाया, विदेशों में घूमने के लिए थोड़ी ना उसे प्रधानमंत्री बनाया। अपना देश तो संभाल ले पहले, दुनिया के पीछे भागता है भाई। उनके पास प्रधानमंत्री है, उनके पास बहुत काम है, आप ही के लिए थोड़ी बैठे हैं। मतलब हम देश के नागरिक नहीं है, हम कुछ नहीं है उसके लिए, मतलब उसके काम तो बहुत है, मतलब उसको नागरिकों की, हमारे दलित समाज की कोई वो नहीं। अभी जो ये उनको छोड़ा गया है तो बहुत ही मतलब दुख की बात है, उसको उनको शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को जिन्होंने 8 कत्ल कर रखे थे, 3 जनों का बलात्कार कर रखा था, उन 11 जनों को छोड़ दिया इन्होंने, तो ये तो इस हिंदुस्तान में तो बिल्कुल दलितों के साथ ना इंसाफी हो रही है। बता रहे हैं ना उन्हें, ब्राह्मण है वो लोग, तो वो तो ब्राह्मण है, हम तो आचरण में नहीं है, तो वो जब ही तो उनको छोड़ दिया कि वो ब्राह्मण है, अगर वो दलित होते हो तो उनको तो अभी तक फांसी हो जाती। तो दलितों के साथ जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हम ये गुहार लगाना है, ये विज्ञापन देना है कि हमारे समाज के साथ न्याय दे, हमारे को न्याय दे। इंद्र मेघवाल के लिए जो है लगातार न्यूयॉर्क में भी आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों में ये गूंजे नहीं जा रही हैं। वो ऐसा है ना मैडम, इनके कानों में तो सिर्फ अंबानी अडानी की बात सुनाई देती है, दलित की सुनाई नहीं देती।
अब जब 24 में इनको पता चल जाएगा कि देश में क्या होता है, 24 में क्या पता चल, 24 में भी वही आने के लिए बैठी हुई है सब जगह, तो जीत रही है भाजपा। जब तक ये ईवीएम रहेगी मैडम, इसे कोई नहीं हरा सकता। तो मैं सारी पार्टियों से कहूँगा, सबसे पहले तो मिल गई ईवीएम हटाए, और हम माननीय प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमें न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, न्याय मिलेगा आपको लगता है? अब अत्याचार, हम तो कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम उस प्रधानमंत्री को ये बताते हैं कि जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया, कि भाई दलितों के साथ अत्याचार ना करे। कभी बूथ रखने पर, कभी घोड़ी चलने पर लगातार दलितों को मारा जाता है, ये मारा जाता है, ये बहुत गलत बात है। तो हम उसको कहना चाहते हैं कि अब हमें इंसाफ चाहिए। चलिए, तो अभी देखा आपने किस तरीके से ये इंसाफ की गुहार लगाते हुए लगातार जो है इंद्र मेघवाल के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आप सोचिए कि जाति लोग सूटकेस में लेकर घूमते हैं, जाति है कि जाति नहीं है, क्यों इस जाति को लेकर लगातार इस तरीके के जो कृत्य किए जा रहे हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हम सामने सुनते हैं। कभी इंद्र मेघवाल हो, तो कभी वो टीचर, महिला टीचर हो जिस पे पेट्रोल छिड़क दिया गया, उसी के दो चार दिन बाद की ये घटना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है कि जूते में डालकर पानी पिलाया जाता है, मटके छूने पर, एक ही उत्तर प्रदेश में ये घटना भी आई कि मटका छूने पर उसको भी, एक छात्र को भी जो है दलित छात्र को मार दिया, वहाँ पर भी ये घटना सुन रही। लगातार इस तरीके की जो घटनाएँ हैं बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कानों में इसकी गूंज जा ही नहीं रही है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली। गाड़ी खड़ी है उसमें बैठिए जाकर।